हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोगों को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है आपका आज का न्यूज। आज का न्यूज अर्थात कि आज के समाचार पत्र में क्या खास है आईएएस वाले स्टूडेंट के लिए जो हिंदी मीडियम से स्पेशली है, उनको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि न्यूज पेपर ज़्यादा बड़ा हो जाता है और पढ़ते पढ़ते आपका टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है और आईएएस के लिए टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होते हैं समय कम होता है। इसलिए प्लीज़ आप हमारे इस शो को जरूर देखें, इस सेशन को जरूर देखें, जिसमें हम सिर्फ 5 मिनट में आपको वो टॉपिक बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट आपको न्यूज देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है और उसी न्यूज को आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम आपको न्यूज़पेपर डेली वे में अवेलेबल कराते रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सिर्फ 5 मिनट में आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है, क्या आईएएस के स्टूडेंट को आज के न्यूज़पेपर में पढ़ना है, उन टॉपिक्स को आइए फ्रेंड्स देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं आप सबों को राम सर इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ 5 मिनट का सेशन। सिर्फ 5 मिनट के सेशन में हम आपको बताएंगे आज के टॉप वो न्यूज जो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरा न्यूज पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप टाइम वेस्ट कर देते 1 से 2 घंटे इसको पढ़ने में। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चुनिंदे बताऊंगा, सिर्फ उस पॉइंट को ही आपको पढ़ना है, उसी पॉइंट को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आसानी से आप उसे 30 मिनट्स में आप अकेले बैठ कर सकते हैं आप उसे, जिससे कि आपके टाइम की बचत होगी। इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको एनालिसिस देने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। प्रतिदिन मैं इसे लेकर आऊँगा आप लोग के लिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के लिए क्या खास है, क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का न्यूज। आज के न्यूज की बात करें तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक जो आया हुआ है, ये आया हुआ है नवंबर, क्या कहते हैं, नवंबर में होगा मोदी और चिनफिंग का आमना सामना। फ्रेंड्स, ये चीज़ें तो राजनीति से रिलेटेड हमेशा चेंज होती रहती है, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है आपका, यह इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को आपको जरूर थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्चुअल शिखर सम्मेलन, क्योंकि शिखर सम्मेलन जब भी होता है तो यह न्यूज में जरूर पूछा जाता है और साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली मेन्स में आपके जीएस पेपर में आते हैं, इसलिए इस पॉइंट को देखना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सेकेंड पॉइंट आपके फर्स्ट पेज में और कुछ भी नहीं है, हथरस के कांड के 19 मुकदमे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बच्चा की कक्षा, इन सभी की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ज़रूरत है आपको ये पढ़ना। NCR जल्द होगा दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र, ये आपका टॉपिक है डेवलपमेंट से, कि आपके देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है, क्या नया NCR में बदलाव आएगा, क्या राज्यपाल का कहना है, क्या लोगों का कहना है, क्या गवर्नमेंट कहती है, इनके चेंजेस के बारे में आपको दिया गया है। इसलिए आपको इस पॉइंट को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस टॉपिक को आप टिक आउट कीजिए। NCR जल्द होगा दुनिया का सबसे बड़ा राजधानी क्षेत्र, इसलिए इनके बारे में अर्थात कि दिल्ली के बारे में, NCR के बारे में स्पेशल दिया हुआ है, इसे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, GST क्षतिपूर्ति का फैसला टला, राज्य को 20,000 करोड़ का राहत, इसकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके जनरल न्यूज है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये देखिए आपका युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, जो प्रदूषण आपके पॉल्यूशन जो इंडिया में अपना रैंक रखता है, पूरे वर्ल्ड में अपना रैंक रहता है पॉल्यूशन दिल्ली का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो समझ सकते हैं जब दिल्ली के पूरा इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में रैंक रखने वाला चीज़ है तो यह मैटर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ब्रीफ देखना है। और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली के गवर्नमेंट ने क्या फैसले किए हैं, उस फैसले को सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से कट आउट करना है, सिर्फ मैटर को निकालना है, एक बार ब्रीफ देकर सिर्फ 5-7 मिनट में इसे क्लियर कर लेना है, इसे ज़्यादा टाइम इस पर बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे की जो आगे पढ़ना है आपको उसमें बता दें आपको कि ये कह रहा है सिख विरोधी दंगे नहीं पढ़ना है, वक्फ बोर्ड में अनियमित रूप से जांच की बात कही है, इसको भी नहीं पढ़ना है आपको, ये आपका लिए इम्पोर्टेंट है। म्यांमार में रिफाइनरी लगाएगा भारत, इंडिया की डेवलपमेंट से चैप्टर है, बट
ये डेवलपमेंट पॉइंट से दिया गया है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैमार में रिफाइनरी अर्थात कि हमारे यहाँ पे कौन सी रॉ मटेरियल है, जिस रॉ मटेरियल का यूज करेगा, हमारे देश में इससे कितना इकोनॉमिक फायदा होने वाला है, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसलिए इन बारे में जो हमारे बीच में जो टाइप हुआ है उन टाइप के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए यह आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखना अर्थात इस टॉपिक को पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके बाद देखिए वैधानिक कार्रवाई माल्य के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं, आपको ये देखिए ये छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दादा इदाते आयोग, यह एक आयोग की आपकी है, इस आयोग के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताया गया इसमें, इसलिए इस आयोग को आप जो पहले न्यूज में दिया हुआ पहले जो आप पढ़ चुके आयोग उनको इस करेंट न्यूज के साथ जुड़ के थोड़ा सा आप नोट्स बनाइएगा ताकि आपके करेंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आइए फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो आगे की टॉपिक पढ़नी है आपको, ये पढ़ना है आपको, ये देखिए टॉपिक जो पढ़ना है आपको, देश भर के 160 से ज़्यादा चिड़ियाघरों में होगा कायाकल्प, यानी कि चिड़ियाघर में इनसे रिलेटेड आपको डाटा निकालना है कि जू में कितना है, कितने चिड़ियाघर हमारे देश में है और कितने आपके क्या कहते हैं जैविक उद्यान हैं, इनके बारे में आपको सभी के बारे में रिपोर्ट एक तैयार करनी है जिनमें इनका आपको क्या करना है जिक्र करना है, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को देखना आपके लिए ज़रूरी है कि 160 किससे ज़्यादा चिड़ियाघर, कहाँ कहाँ पे चिड़ियाघर है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है, इसलिए इसे आपको देखना चाहिए। उसके बाद अगर टॉपिक की बात करें फ्रेंड्स तो आपका दूसरा टॉपिक आगे की टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कौन सा है मैं बता दूँ आपको, वो सीधा चले आइए आप एक ही बार जानना है आपको अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक लेवल का क्वेश्चन जो होता है काफ़ी ज़रूरी होता है और ये आपके ट्यूटोरियल में दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत कितने सही। अब इसमें दिया हुआ है कि हमारे देश की जो GDP है, ठीक है, GDP कहाँ जा रही है और GDP गिरने के क्या आपके परिणाम हो सकते हैं या GDP क्यों गिर रहा है, आगे की क्या है, RBI क्या कहती है, हमारे देश की रिपोर्ट क्या कहते हैं, इनके बारे में सूचना दिया हुआ है। तो इसलिए प्लीज़ आप अर्थव्यवस्था के सुधार के संकेत को जरूर पढ़ें क्योंकि यह आपके लिए समझ को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था पर अपने देश की पकड़ को बढ़ाएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यह जो प्री का एग्जाम हुआ है 2020 वाला, उसमें भी इस पार्ट से क्वेश्चन था कि इंडिया में अगर क्या कहते हैं आपातकाल की स्थिति आती है, अगर देश के अंदर अगर आर्थिक आपात की स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो आगे आपके देखिए मुस्लिम समाज के बारे में, पिछड़े समाज की बात है तो इसे एक बार ब्रीफ करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। और आपके उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं वो आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स वो टॉपिक आपका कौन सा है, ये देखिए ये हेपेटाइटिस सी, ये आपके बायोलॉजी की आपकी पॉइंट है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार की बातें कर रहा है और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसे आपको देखना चाहिए। फ्रेंड्स ये थे आपके सिर्फ 5 to 6 मिनट में सभी क्वेश्चंस का डीलिंग, आप इस पॉइंट को जरूर देखिए, आप UPSC करिए, मेरा टारगेट बस यही है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।